हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द चेन सर्वेइंग। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ रेंजिंग। नाउ फील्ड पर रेंजिंग कैसे की जाती है, इसे अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाउ जैसे मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि रेंजिंग होता क्या है। रेंजिंग बेसिकली उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें किसी लॉन्ग सर्वे लाइन के एंड स्टेशंस के बीच में किसी इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश किया जाए, इस प्रोसेस को रेंजिंग कहा जाता है। और फील्ड पर इस रेंजिंग को कैसे हम कर पाते हैं, कैसे किया जाता है, इसे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है डायरेक्ट रेंजिंग। नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो रेंजिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से की जा रही है। सो जो एंड स्टेशंस है उनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जो रेंजिंग की जाएगी, उस टाइप की रेंजिंग को हम डायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। ना इसे समझाने के लिए मैं ग्राउंड का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और प्लान दोनों आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो लेट अस सपोज ये हमारा ग्राउंड है जिसकी जिस पर हमें रेंजिंग करनी है, ठीक है। सो मान लेते हैं ये हो गया स्टेशन ए और ये हो गया स्टेशन बी। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, सो एलएक्स सेक्शन। स्टेशन ए पर हमने रेंजिंग रॉड को लगाया और स्टेशन बी पर हमने रेंजिंग रॉड को लगाया। तो स्टेशन ए और स्टेशन बी हम लोगों ने यहाँ पर रेंजिंग रॉड लगा दिया है। पर्पस क्या है हमारा, जो स्टेशन ए और स्टेशन बी है, जैसे मैंने बताया प्रीवियस क्लासेस में भी, स्टेशन यानी कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट। सो ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट होगा वो स्टेशन कहलाएगा। सो स्टेशन ए और स्टेशन बी जो के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये काफी ज्यादा है, लेट अस सपोज 100 मीटर है। और हमारी जो चेन और टेप है जिससे इस 100 मीटर की लेंथ को मेजर करना है, उसकी लेंथ 30 मीटर है। यानी कि यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स जो चेन है या टेप है उसे यूज करना पड़ेगा। ना अगर हम लोगों ने जो चेन है और टेप है, जब उसको मल्टीपल टाइम्स हम यूज करेंगे हर ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अगर इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश नहीं किया तो जो हम मेजरमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। देखिए स्टेशन ए जो है, यहाँ से चेन लेटर सपोज हम लोगों ने एक चेन लेंथ कवर किया, फिर दूसरा चेन लेंथ हम लोगों ने कुछ ऐसे कवर कर लिया, फिर तीसरा चेन लेंथ कुछ ऐसे कवर किया और फाइनली यहाँ पर हमारा स्टेशन बी आ गया। सो यहाँ पर आप देखेंगे ए और बी का ये मैंने प्लान बना के दिखाया है। सो ए और बी पॉइंट के बीच का जो हमने लेंथ मेजर किया वो कुछ ऐसे जिगजैग वे में मेजर कर लिया। क्यों? क्योंकि ए से बी के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें पता ही नहीं है, और हमें तो ए और बी के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है उसके अलोंग मेजरमेंट करना है, ठीक है। सो इसके लिए अपन को रेंजिंग करना ही पड़ेगा। ना अब मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में रेंजिंग करनी है। सो मैं ए और बी के बीच की आपको प्लान दिखाता हूं। सो ये ए और बी के बीच की लेट अस सपोज एक स्ट्रेट लाइन है। सो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। सो ए पर भी रेंजिंग रॉड लगा हुआ है और बी पर भी रेंजिंग रॉड लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें ए और बी के बीच का इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करना है। सो क्या करेंगे, हमारे ए पर सर्वेयर खड़ा है और बी पर रेंजिंग रॉड को लेकर के असिस्टेंट सर्वेयर खड़ा है। तो यहां पर भी सर्वेयर है और इसने होल्ड कर रखा है, और बी पर हमारा जो रेंजिंग रॉड है इसको यहां पर लगा दिया गया है। अब हमें लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट पी है, यहां पर हमने रेंजिंग रॉड को लगाया, तो ये स्टेशन पी पर है। और यहां पर हम लोगों ने लेट अस सपोज एक कोई असिस्टेंट सर्वेयर है, इसको यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। नाउ सो अब क्या होगा, डायरेक्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये जो पी पॉइंट है, लेट अस सपोज अभी हमारा ये जो पी पॉइंट है, ठीक है। सो ये लेट अस सपोज पी डैश पॉइंट है, ठीक है, जो हमारे स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। तो ए पर हमारा सर्वेयर खड़ा है
और बी पर क्या है, हमारी रेंजिंग रॉड लगी हुई है, तो ए पर भी रेंजिंग रॉड है, बी पर भी लगी हुई है, दोनों एंड स्टेशन है, और इस ए बी पर स्ट्रेट लाइन पर हमें क्या करना है, इस पी यानी कि जो रेंजिंग रॉड है इंटरमीडिएट पॉइंट पर एस्टेब्लिश करना है। क्लियर है? सो कैसे करेंगे, जो ए पर हमारा जो सर्वेयर है ना, ये क्या करेगा, यहां से जो ए पर रेंजिंग रॉड है यहां से देखिएगा बी रेंजिंग रॉड को, ठीक है, और गाइड करेगा साथ ही साथ में जो पी पॉइंट पर जो असिस्टेंट सर्वेयर है उसे। सो ये इसे गाइड करेगा कि ये प्लान है, सो ये इसे गाइड करेगा कि आप क्या करो, या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मूव कीजिए। ये तब तक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मूव कराएगा जब तक कि जो बी स्टेशन पर जो रेंजिंग रॉड लगी हुई है वो पी पर जो रेंजिंग रॉड है उसके साथ कॉन्साइड ना कर जाए ना। सो ये कुछ इस तरीके से ऐसे देखेगा, तो जब तक इसको ये वाली पी पर रेंजिंग रॉड बी के साथ कॉन्साइड नहीं करेगी जब तक इसको लेफ्ट या फिर राइट में गाइड करेगा ना। सो ये वाला जो पी डैश पर अभी रेंजिंग रॉड लेकर के खड़ा है, ये आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूड सेक्शन में समझ में नहीं आएगा, प्लान से देख सकते हैं। सो इसने इसे गाइड किया, और लेट अस सपोज ये आ गया यहाँ पर पी डबल डैश, सो अगेन ये गाइड करेगा कि नहीं आप क्या कीजिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पर आइए, और ये कुछ इस तरीके से इसको इस स्ट्रेट लाइन पर लोकेट करा देगा, और कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। सो ए और बी सर्वे लाइन के बीच में हम लोगों ने इंटरमीडिएट पॉइंट पी को लोकेट कर लिया। एज सिमिलर हम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट को यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, सो सेम प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट किया बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंड स्टेशन, इसलिए इस रेंजिंग की प्रोसेस को हम डायरेक्ट रेंजिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे कुछ और प्रोसेस रेंजिंग की, जैसे इनडायरेक्ट रेंजिंग और रेंडम लाइन रेंजिंग को। थैंक यू।